दोस्तों ये जो पराठा आप देख रहे हैं ना, ये सिका हुआ है प्योर देसी घी में, वो भी 40 ग्राम देसी घी में। तो आइए आज आपको दिखाते हैं कि ये पराठा मिलता कहाँ है और बनता कैसे है और कितनी क्वांटिटी में पराठे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये पराठे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नितिन कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं फूडी नितिन। दोस्तों आज हम आए हाथरस, और हाथरस जाना जाता है अपने हींग के उत्पादन के लिए। यहाँ की हींग सबसे ज़्यादा बढ़िया और सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं हाथरस में बॉबी भाई के पराठे। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं बॉबी भाई के पास, जो कि पड़ते हैं हाथरस में, बिल्कुल इस पुल के नीचे जो मेन पुल है अलीगढ़ आगरा रोड पर, उसके नीचे मथुरा रोड पर जाता है, और उसके वहीं पर आपको बिल्कुल मुड़ते ही बॉबी भाई की दुकान मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं बॉबी भाई की दुकान पर, हमारे लेते हैं पराठों का आनंद। तो ये है वो बॉबी भाई की दुकान जहाँ पर बॉबी भाई अपने बेचते हैं पराठे, और यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा सेटअप बना हुआ है, ना कोई मतलब ज़्यादा चमक है ना कुछ है, और सिंपल सी दुकान है, ना कोई बोर्ड लगा हुआ है इनकी दुकान पर, लेकिन भीड़ इनकी दुकान पर बरकरार रहती है। हम इनकी दुकान पर रुके थे 1 घंटे, और 1 घंटे में लगभग 100 पराठे इनके यहाँ बिक चुके थे, और 3 या 4 इनके यहाँ पर तवे लगे हुए हैं पराठों के लिए। और ये जो घी है वो 2 बार कटोरी में डालते हैं, इनकी 20 ग्राम की लुटिया है, 40 ग्राम घी डालते हैं, उससे ही ये पराठे अपने सेकते हैं। तो आप देखिए कैसे ये पराठे सिक रहे हैं, और 2 सब्जियां आपको साथ में मिलेंगी, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, और साथ में आपको मिलेगा रायता खाने के लिए। तो भीड़ियाँ लगी रहती है और पैकिंग भी यहाँ बहुत चलती है। तो आप देखिए कैसा ये पराठे सिक रहे हैं। और ये पराठा जो होता है वो होता है आलू प्याज का, और उसकी कीमत होती है मात्र 30 रुपये। अगर आपने भी कहीं 30 रुपये में पराठा खाया है देसी घी का, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पत्तल में लेना, पत्तल में। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और इनका पराठा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और बिल्कुल भी जला हुआ नहीं होता है। देखिए दोस्तों अब ये पराठा सिक रहा है, और अब इसमें कटोरी भरकर जाएगा घी, यानी 40 ग्राम इस कटोरी में होता है घी, और ये देसी घी होता है, शुद्ध देसी घी। इन्होंने बताया कि ये शुद्ध देसी घी का यूज़ करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने पराठे यहाँ पर बले हुए रखे हुए हैं। ये आलू प्याज का पराठा ले सकते हैं आप, और अगर आप प्याज खाने के शौकीन नहीं हैं तो आप खाली आलू का पराठा भी ले सकते हैं। अगर कभी आप अलीगढ़ से आगरा जा रहे हों तो इनके पराठे ज़रूर टेस्ट करके जाएं। इनकी टाइमिंग है दोपहर 2 बजे से रात को 10 बजे तक। और अगर आप पीलीभीत से आगरा जा रहे हों तब भी करके जाएं, पीलीभीत से मथुरा जा रहे हों तब भी टेस्ट करके जाएं। मात्र 30 रुपये का पराठा है। तो हमारी प्लेट लग चुकी है और हमारा पराठा सिककर आ चुका है। अगर आपको पराठा अच्छा लग रहा है तो आप बताएं कैसा लग रहा है, और आपने अगर कहीं 30 रुपये में 40 ग्राम देसी घी का पराठा खाया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देख सकते हैं आप कितना स्वादिष्ट पराठा ये देखने में लग रहा है, और बहुत ही क्रिस्पी था खाने में ये पराठा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त। एक पराठा खाने बैठे थे हम, 3 पराठे खा गए। ये देख सकते हैं आप पराठा तोड़ने के बाद देसी घी, आलू और प्याज सब बेहतरीन तरीके से पराठे के अंदर नज़र आ रहे हैं, और मसालों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है इनका। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।